और ये है यहाँ पर बच्चे। आराम से आराम से बेटा, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से। बच्चे कैसे कर रहे हैं? और ये सब हो गया फिनिश। ये है आपकी, तो ये देखिए, ये है इनकी मुल्लेलाल जी की झुग्गी। ये हम आपको दिखा देते हैं कि इधर बन रही है रोटी, और इधर ये बहन एक रोटी बना रही है, आटा छान रही है। और ये देखिए कुछ मिले वाले क्या, ये भी खा रही है, अभी खा रही है ना चिप्स, वो मिली है ना अभी। 3, 2, 1। हेलो यूट्यूब फैमिली, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, नया साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम आज आए हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के साथ नया साल मनाने के लिए, तो दिखाते हैं आपको, चलते हैं, थोड़ी सी उन्हें देते हैं खुशी। और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। और शुरुआत है, पहला प्रयास किया है हमने, और आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लगेगा। तो चलिए, सभी के साथ नए साल की खुशी बांटनी चाहिए। घर में तो सभी मनाते हैं, बाहर जाकर सभी मनाते हैं। इन बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो आज इन बच्चों के लिए भी लेके आए हैं थोड़ा सा, थोड़ा खुशी का पल देते हैं थोड़े से उनको, और लाते हैं उनके चेहरे में मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं यहाँ पर, और ये हैं यहाँ पर बच्चे। आराम से, आराम से बेटा, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से। लो चीनी चप्पी नहीं, ए आराम से ही पकड़ा बोले। आराम आराम से लेते रहो, आराम आराम से। अरे भगवान, चले चल, अरे हाथ में रहते हैं ये देख सकते हैं आप बच्चे कैसे कर रहे हैं। और ये देखिए बच्चे कैसे कर रहे हैं, और ये सब हो गया फिनिश। अब खत्म हो गए, फिर लेके आएंगे, फिर लेके आएंगे, है ना। क्या नाम है गुड़िया? वंदना नाम है। तेरे को मिला नहीं? मिला, खा लिया? लाइन लगा के खड़े होने चाहिए ना, सबको मिलता है। नया साल है ये, थोड़ा बच्चों के साथ में कर लेते हैं। खत्म हो गया है। ये देखिए, ये इनकी पार्टी चल रही है, ये एंजॉय कर रहे हैं। हाँ भाई, मिल गया। क्या नाम है आपका? मुन्नीलाल। मुन्नीलाल जी, मुन्नीलाल जी कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर हम तो रह रहे हैं 7 साल हो गए। 7 साल से रह रहे हैं। तो आप क्या करते हैं? हम भीख मांगने वाले। अच्छा, आप वैसे मांगकर जीवन यापन कर रहे हैं अपना? तो आपका परिवार भी है यहाँ पर? ना, परिवार नहीं है। परिवार नहीं है आपका यहाँ पर? तो आप यहाँ कैसे, झुग्गी में रह रहे हैं यहाँ पर? किधर है आपकी झुग्गी, किधर है? चलिए दिखा सकते हैं, चलें झुग्गी पे। चलिए, तो चलिए, मुन्नीलाल जी हैं हमारे साथ में, और ये विकलांग हैं, इनके साथ चलते हैं। इनकी झुग्गी पर, यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी हैं झुग्गियाँ, और ये बच्चे कर रहे हैं मस्ती पूरी।
ये है आपकी। तो ये देखिए, ये है इनकी मुल्लेलाल जी की झुग्गी, ये हम आपको दिखा देते हैं। ये एक छोटी सी इन्होंने बना रखी है यहाँ पर, और ये इनका सामान, इनका चूल्हा रखा हुआ है, देख सकते हैं आप। लाइट की व्यवस्था है यहाँ पर, पंखा भी लगा हुआ है, और इधर देखिए, इधर बन रही है रोटी, और इधर ये बहन एक रोटी बना रही है, आटा छान रही है। तो क्या बना रही है बहन? सब्जी। किस चीज की सब्जी बन रही है? आलू की सब्जी बन रही है। क्या बात है, मच्छी और आलू, नया साल बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तेरे अभी चल रहे हैं चिप्स। और ये देखिए, अंकल कुछ मिले वाले क्या? ये भी तो खा रही है, अभी खा रही है ना चिप्स। वो मिली है ना अभी। जी बिल्कुल, सलूट है साहब, सलूट है आपको भी, सलूट है। नगर वाली का? अच्छा, ये हमारा घर है, ये हमारा बिस्तर है सर जी। तो देखिए, ये नगर पालिका में बता रहे हैं, काम करते हैं, और आधा घाट उसके बाद गया, क्यों? मैं दिल्ली से आया था किसी काम को लेके। अच्छा, और देखिए ये कह रहे हैं कि ये है इनका बस छोटा सा आसरा, ये बताओ, ये है इनका, और ये कह रहे हैं कि इसमें कैसे हम जीवन यापन करें। क्या पड़े इसमें तो सर, ये हमारा पास नहीं है, क्या कम बस। अब ये बताओ, ये गरीब आदमी कहाँ मरेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ छोड़ेंगे हम लोग? जी बिल्कुल सर जी, ये बोतल पानी है। ये है इनकी पूरी प्रॉपर्टी, ये इन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी दिखा दी है कि इनके पास ये सामान है, ये सामान है, यहाँ पर रहते हैं। अब क्या बोला है? हाँ। जी जी, अब हमारे पास आधार कार्ड हो गया, सब कुछ हो गया, तो हम कहाँ जाएंगे सर जी? देखो, हमारे सत्यपाल जी, सही बात है, वो हम समझ गए, काफ़ी सर्दी है और आप वैसे बहुत परेशान हैं। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई बात नहीं है। और देखिए, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएंगे सब आगे, और जो हो सकेगा आपके लिए, जो कुछ हो सकता होगा बिल्कुल करेंगे, इसके लिए आप परेशान ना हो। तो ये देखिए, यहाँ पर ये सब रह रहे हैं झुग्गी में, और झुग्गी में ही रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। खाने की तैयारी चल रही है, तो बस। तो देखिए, ये हैं हमारे साथ मुन्नीलाल जी, और ये है इनका आधार कार्ड, ये आप देख सकते हैं, और ये हैं विकलांग, एक पैर से विकलांग हैं, और इन्होंने नगर पालिका में ट्राईसाइकिल के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन वहाँ बोला गया कि जो दोनों पैरों से होते हैं, विकलांग होते हैं, उनके लिए ये होता है आधार, मतलब ट्राईसाइकिल। तो एक मेरी सभी से विनती है कि जो कोई ये अभी हापुड़ में रहते हैं, और मेरी ये विनती है कि जो कोई इनको सुविधा मिल सकती हो प्राइवेट तौर से, अगर किसी संस्था से इन्हें कोई सहायता मिल जाए, तो इसके लिए प्लीज़ थोड़ा देखिएगा। अगर कोई सज्जन ऐसे हो जो किसी संस्था से जुड़े हुए हों, और जो प्राइवेट तौर पे इनको कुछ सहायता मिल जाए, जो इनको ट्राईसाइकिल मिल जाए और ये अपना कुछ व्यवसाय कर सकें, क्योंकि इनकी इच्छा है कि अभी तो ये देखिए जीवन यापन कर रहे हैं अपना मांग कर, और ये चाहते हैं कि अपना कुछ बिजनेस करें, अपना कुछ काम करें, छोटा हम कुछ करके अपना जब अपना चलाएं, छोटा सा एक छोटा सा एक काम अपने ही डाल लें। तो इसके लिए एक इन्हें ट्राईसाइकिल की आवश्यकता है, अगर कोई संस्था ऐसी है जो इन्हें सहायता दे तो प्लीज़ वो आगे आएं और हमें कमेंट करके बताएं, करके जरूर बताएं, और तो इनकी कुछ सहायता हो जाए। तो बस हमारी सबसे यही विनती है, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो प्लीज़ इनके लिए कुछ थोड़ा सा हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मुन्नीलाल जी हैं, हम यही चाहते हैं कि देखिए इन भैया की हेल्प हो जाए और इनका कुछ काम हो जाए ऐसा, तो जो भी संस्था ऐसे हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो इनकी हेल्प करें, और इनका आधार कार्ड वगैरह सब है, और हम हापुड़ से हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, यहाँ ये रेलवे की पटरियाँ भी हैं नज़दीक में, और स्टेशन थोड़ा सा ही आ गया है हापुड़ का, तारक मंदिर है जी, और यहीं पर ये इन्होंने झुग्गियाँ डाली हुई हैं। आप लोग वैसे कहाँ के हैं रहने वाले? बहराइच के हैं।
आप सभी लोग बहराइच के हैं यहाँ पर? सभी लोग बहराइच, जो आपने यहाँ बहराइच से आके यहाँ पे झुग्गियाँ डाली हुई है। बस यहाँ मांगने खाने आते हैं, कबाड़ा बच्चे बच्चे बीनते हैं, हम लोग कबाड़ा बीनने का काम करते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये देखिए कबाड़ा बीन कर अपने यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं और यहाँ झुग्गियाँ डाली हुई हैं, ये आप देख सकते हैं पीछे में। और जो हमने आपको पहले भी दिखाया था कि जो ये सब झुग्गियाँ जो हैं इनकी हैं भाई लोगों की, तो ये बहराइच से आकर यहाँ पर कबाड़ा बीनने का काम कर रहे हैं। और आपके पास है आधार कार्ड है आपके पास? हाँ जी है। आधार कार्ड आपके पास बहराइच का कि यहाँ का है? बहराइच का आधार कार्ड है, बहराइच का ही है। तो यहाँ पर आपको चाहते हैं कि अपना कोई काम अच्छा सा कर सके, है ना? तो उसके लिए आप प्रयास रहते हैं, अभी फिलहाल कबाड़ा बीन कर ही अपना काम चला रहे हैं। बच्चों को जिया रहे हैं से। जी वो है समस्या थोड़ी सी। चलिए ठीक है, देखते हैं कोई संस्था आपको कोई सपोर्ट करती है कुछ करती है तो हम आशा है कि कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकलेगा। ठीक है जी, क्या नाम है आपका? पप्पू नाम है। पप्पू जी, ठीक है पप्पू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरीके से इन लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हमें, और यही है सबसे निवेदन है कि जो भी कोई अगर इनकी कुछ सहायता कर सकता है तो कोई समाजसेवी संस्था ऐसी हो जो इनको कुछ हेल्प करवा सके। इनके पास बहराइच का है आधार कार्ड और ये यहाँ पर कुछ अपना रोज़गार करना चाहते हैं, तो प्लीज़ सभी लोग हेल्प कीजिएगा। बच्चे भी कैसे खुश हुए, बिल्कुल पता है, बैग छीनने के लिए तैयार बच्चे। मैं कह रही थी आराम से लीजिएगा, सभी को मिलेगा। अच्छा क्या होता है ना, बड़े बड़े भी आ जाते हैं बीच में, बच्चों के हाथ में से छीन लेते हैं बड़े बड़े भी। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही, और देखिए अभी पहली बार हमने इस तरीके की वीडियो बनाई है, तो आगे देखते हैं और कितना अच्छे से हम कर सकते हैं। सभी ना बताइएगा, आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हम आगे को भी और ऐसे लेके आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी नए आए हमारे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय फ्रेंड, बाय बाय।